तारीफ होते हुए और हमारे मीडिया पर्सन इन लम्हों को अपने केडीवी के लिए मोहम्मद अमीन, सन्नी शर्मा और संजय शर्मा मौजूद, सोशल एक्टिविस्ट सावर हुसैन बिट्टा उनके साथ साथ और सरदार राजेंद्र सिंह जी तो ये क्लब जो है बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के चलता है। हमने आज तक किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली। पूरी तारीख में 17 साल हो गए शहीद मंजीत सिंह क्लब को बने हुए। स्वयं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमने आज तक किसी से कोई जो किसी किस्म का तावन जो था नहीं लिया था। और पहली मरतबा हुआ है मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है वो डीसी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता है। और पहली मरतबा हुआ है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो वॉलीबॉल कोर्ट है ये कॉलेज की ग्राउंड है। कॉलेज वालों का शहीद मंजीत सिंह क्लब पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने ये ग्राउंड हमें अलॉट की हुई है। इसकी मेंटेनेंस सारी हम खुद करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक पोल आपको यहाँ पे चार्ज है कि यहाँ पे फ्लड लाइट टूर्नामेंट भी होते हैं। और ये पोल जो थे ये भी मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पॉइंट से मुहैया किए हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि पोल जो कि नायाब चीज है हमारे लिए वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दे दी है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें सिर्फ 12 लाइटें लगती है। अगर एलईडी की लाइटें यहाँ यहाँ शहीद मंजीत सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सरदार राजेंद्र सिंह जी तशरीफ लाइएगा। और मीडिया के हजरात शहजाद भट्ट साहब वक्त की आवाज के लिए इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। अमीन भट्ट हैं, निपुण हैं, सन्नी शर्मा हैं, संजय शर्मा हैं, तो हम इन हजरात के भी शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मंजीत सिंह जी जो कि यहाँ पर ड्यूटी पर आए थे जबकि मरम का जोश निकला है और जिस किले के नीचे आकर के बिंदू ने उनके ऊपर फायर किया तो उन्होंने अपनी चादर पाई। उसके बाद तालब जी ने उनके नाम पर यहाँ पर एक क्लब बनाया जो क्लब एक है। ये सारे का सारा क्लब पुलिस की मदद से आज चल रहा है। लेकिन उसके पहले तारक जी ने इस क्लब को अपनी पाकर से चलाया। जहाँ तक तारक जी का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सर। कायदा तौर पर मुअज्जज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए क्लब की जो सरगर्मियां रही हैं, जो गतिविधियां रही हैं उस पर रोशनी डालें। जनाब बैठे हुए हैं, मैं उन सबका शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ की जानब से यहाँ पे उनका खैर मकदम करता हूँ। असल में आज जो हमारे जैसे कि अभी जो खन्ना साहब ने भी बोला कि हमारे पुलिस में जो आज की डेट में जो पीस है जो हम आज अपने शहर में इसमें पूरे तौर पर भूल सकते हैं उसके लिए शहीद मंजीत सिंह जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने अपनी जान देकर जो है इस जगह पर उस जगह पर पीस बनाए रखी, तो ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा भी ओवर द पीरियड हमारे रीजन के जितने भी लोग हमारे पुंछ के जो भी लोग जिन्होंने यहाँ पर अपनी नौकरी लेते हुए अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी पीस के लिए यहाँ पर माहौल हमारा अमन का बना रहे उसके लिए आज हमें उन सबको फिर से एक बार याद करने की जरूरत है। और उसके साथ ही एक बार फिर से ये भी तय करने की जरूरत है कि हम उस पीस को किस तरह से बनाए रखते हैं। ये जो आज शहीद मंजीत सिंह टूर्नामेंट है ये बहुत अच्छी मिसाल है कि किस तरीके से हमारा जो यहाँ पर एक पुंछ का एक कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है जिसमें हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर यहाँ पर रहते हैं।
जो उसका एक बहुत अच्छा ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और ना आपने इससे केवल सीखना है, इसके साथ ही आपने ये जो हमारे यहाँ पर इस एरिया में अगर कहीं पर कुछ अभी भी मुश्किलात है तो उसको भी खत्म करना है। और ये पीस का माहौल जो बना हुआ है इसको ना केवल बनाए रखना है बल्कि उसको और बेहतर करना है। जैसे कि ये एक बहुत अच्छा ये सही शहीद मंजीत सिंह क्लब जो है इसको मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोलूंगा कि किस तरीके से एक वायलेंस को हम किस पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना केवल इस टूर्नामेंट के थ्रू हम एक अपने शहीद को याद कर रहे हैं पर उसके साथ साथ जो हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं अपने यंगस्टर्स को। और जहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले थे, हमारा एक प्लेयर जो है सकलेन जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कुछ जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट से इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचना। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले और अलग अलग लेवल पर स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर पहुंचे। तो एक पॉजिटिव मैसेज कि किस तरीके से एक वायलेंस की इवेंट को एक पॉजिटिव फॉर्मेट में चेंज किया, उससे ना केवल एक आपसी जो है सौहार्द का मैसेज दिया, आपसी मेल मिलाप का मैसेज दिया, पर उसके साथ साथ बच्चों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिल गई, बच्चों ने किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ना है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि हमारा जो पुंज का जो भाईचारा है, हमारे पुंज की जो फीस है उसको आप किसी तरीके से बनाए रखें। खिता एंड पीर पंजाल जो हमेशा से मशहूर रहा है कि खिता एंड पीर पंजाल के लोग इस तरह से हमेशा जो है देश के साथ चले हैं, चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर कितनी कोशिश की हो, चाहे हमारे पर कई बार यहाँ पर सीज फायर वायलेशन भी इंसिडेंट भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हम हमेशा अपने देश के साथ चलते रहे हैं उसी तरह से हम अपने देश के साथ चलते रहेंगे। आज के दिन मैं एक बार फिर से यही आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप शहीद मंजीत सिंह जैसे लोगों से प्रेरणा लें कि किस तरीके से हमने अपने इलाके में अमन और शांति बनाए रखनी है और किस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर से एक बार